आज हम लोग करेंगे sing.com का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने काफ़ी बात करी है इस चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे sing.com के बारे में, जो कि सिक्योरिटी के लिए अच्छा माना जाता है। तो आज हम लोग इसके प्रोज देखेंगे, कॉन्स देखेंगे, किसको यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए और इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। कंपनी की बात करूं तो इसको फाउंड किया गया था 2011 में। जो इनके फाउंडर है वो है कनाडा से। इन्होंने इससे पहले एक होस्टिंग कंपनी भी फॉर्म करी थी नेट फॉर्म्स करके, वो अभी तक चल रही है। एंड देन 2011 में इन्होंने यहाँ पर sing.com को भी फॉर्म कर लिया था। डेटा सेंटर्स की बात करूं तो वो सिर्फ कनाडा में है। यूज़र इंटरफेस की बात करूं तो जैसे आप लोग लॉग इन करते हैं, इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेयर करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देन वॉल्ट, शेयरिंग, इवेंट्स, यूजर्स, बहुत सारे और भी चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग एक एक करके यहाँ पर टच करेंगे। स्पीड की बात करूं तो मैंने यहाँ पर 844 MB की वीडियो फाइल अपलोड करके देखी। मेरे कनेक्शन की स्पीड है 220 MBPS डाउनलोड और अपलोड, और जो मुझे यहाँ पे स्पीड मिली है दैट वाज एक्सट्रीमली पुअर। यहाँ पे मुझे अराउंड 20 मिनट लग गए उस फाइल को अपलोड करने के लिए, एंड डाउनलोड में मुझे उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र रेट भी नहीं दिखाता है। इनके वेब ऐप के ऊपर ट्रांसफ़र रेट देखना है तो आपको इनका जो डेस्कटॉप ऐप है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड स्पीड ठीक है, इनक्रिप्शन है तो थोड़ा स्पीड यहाँ पर स्लोअर साइड पर ही रहेगा, लेकिन इतनी स्लो स्पीड्स मिली है मुझे। मेनली इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं हूँ इंडिया में एंड इनके डेटा सेंटर्स है कनाडा में, तो इस वजह से भी स्पीड पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। अगर इनके डेटा सेंटर्स यूरोप में होते जैसे कि पी क्लाउड के, तो शायद से हमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्पीड्स देखने को मिल जाती। पी क्लाउड का मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन है, मतलब इंक्रिप्शन की सिर्फ आपके पास ही रहेगी। कोई भी हैकर, कोई भी एम्प्लॉयज आपका डेटा नहीं देख सकता है बिना आपके पासवर्ड के। ये जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन इनके फ्री प्लान पर भी है। इंक्रिप्शन की बात करूं तो AES-256 bit का आपका इंक्रिप्शन मिल जाता है। ट्रांसिट पर भी है, रेस्ट पर भी है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, दैट्स गुड। देन हमारे पास यहाँ पर 2-factor ऑथेंटिकेशन भी है, जिसमें हमारे पास ईमेल का भी ऑप्शन है और ऑथेंटिकेटर का भी ऑप्शन है, सो दैट्स गुड। फिर यहाँ पर ईमेल बेस्ड पासवर्ड रिकवरी भी है, आप लोग इसको इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी करते हो। अगर आप लोग इसको इनेबल कर दोगे तो फिर आप लोग जीरो नॉलेज एक तरीके से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। तो अगर आपको बहुत सिक्योरिटी चाहिए तो इसको आप लोग डिसेबल रखिएगा। ऐप्स पर भी आपको बायोमेट्रिक के ऑप्शन मिल जाते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस की बात करूं तो वो इनकी क्लीन है, मुझे यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखने को मिला है। सेम इनकी प्राइवेसी पॉलिसी के साथ में भी है, जो नॉर्मल प्राइवेसी पॉलिसी होती है। इट्स गुड, इट्स क्लीन, कुछ यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखी है। सिक्योरिटी ऑडिट्स की बात करूं तो इन्होंने कोई भी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराया अभी तक। हिस्ट्री की बात करूं तो दे हैव अ क्लीन हिस्ट्री सिंस 2011, पिछले 10 साल से इनकी हिस्ट्री काफ़ी क्लीन रही है, सो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वर्जनिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको वर्जनिंग भी मिल जाती है, जिसका मतलब कि आप लोग पहले वाले वर्जन को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। इनके फ्री प्लान पे 30 डे की और पेड प्लान पे 180 डेज की आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। ट्रैश की बात करूं तो जैसे यहाँ पर आप लोग शो डिलीटेड फाइल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बेसिकली इसका ट्रैश है ये, तो जो भी चीज़ डिलीट हुई है उसको यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है। अगेन फ्री में 30 है और पेड में 180 डेज तक का मिल जाता है। यहाँ पे फुल अकाउंट रिकवरी का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से आप लोग उसको मैन्युअली नहीं कर सकते हो, आपको कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग मेरे पूरे अकाउंट को रिकवर करके दो, तभी वो लोग करके देंगे। पी क्लाउड पे ऐसा नहीं है, पी क्लाउड में आप लोग वन क्लिक में पूरे अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, यहाँ पर आपको कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें मिलता है सिंक फोल्डर भी, ये सिंक फोल्डर आप लोग मैक पे, विंडोज पे क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस यहाँ पर होंगे वो मेरे क्लाउड पे हो जाएंगे, और जो भी चेंजेस क्लाउड पर होंगे वो यहाँ पर मेरे सिंक फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर किसी भी फोल्डर को सिंक नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही फोल्डर को मैं सिंक कर सकता हूँ, और अगर उसके अंदर कुछ फोल्डर्स है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किन किन फोल्डर्स को सिंक करना है, किन को नहीं करना है। एंड यहाँ पर ब्लॉक लेवल सिंक का भी ऑप्शन नहीं है। देन आता है हमारे पास वॉल्ट। वॉल्ट इनकी क्लाउड स्टोरेज ही है, लेकिन ये सिंक नहीं होगा, तो जो भी डेटा आपको सिंक नहीं करना है अपने डिवाइसेस के साथ में, सिर्फ वो आपको क्लाउड पर ही रखना है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है वॉल्ट, ये डेटा ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होता है। यहाँ पर आपको सिंक फोल्डर तो मिलता है, लेकिन वर्चुअल ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि आपको पी क्लाउड या आइस ड्राइव में मिलता था। आइस ड्राइव का भी मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। अब अगर मैं इसके यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो इसका यूज़र इंटरफेस मुझे यहाँ पर थोड़ा पुराना लगता है, काफ़ी टाइम से यही यूज़र इंटरफेस है, कुछ मेजर यहाँ पर अपग्रेड्स नहीं करे गए हैं, तो इट्स हाई टाइम नाउ कि ये लोग अपने यूज़र इंटरफेस को यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव करें। डिवाइसेस की बात करूं तो विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, iOS और जितने भी मेजर वेब ब्राउजर्स है उस पर आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा।
मोबाइल पर इस पे आपको ऑटो अपलोड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बायोमेट्रिक लॉक अवेलेबल है एंड यहाँ पर अभी तक लिनक्स का कोई ऐप नहीं आया है। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, बट जब मैंने इनसे इनके कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट किया तो उनका ये कहना था कि अभी वो प्लान में नहीं है, उसको आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अब अगर मैं इसके कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो ईमेल के थ्रू आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको 24 आवर्स के अंदर यूजुअली मिल जाता है। शेयरिंग की बात करूँ तो आप लोग डॉक्यूमेंट या फोल्डर्स को इजीली शेयर कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग जाएंगे शेयर एज अ लिंक पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद इसमें इनक्रिप्टेड लिंक हो जाएगा, मतलब ये जीरो नॉलेज ही रहेगा, तो आप लोग जीरो नॉलेज पे यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हो, दैट्स गुड। उसके बाद लिंक सेटिंग्स पे आप लोग काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, एक्सपायरी डेट डाल सकते हो। देन यहाँ पर अपलोड परमिशन से क्या, यहाँ पर यूज़र बिना रजिस्टर करे अपलोड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या वो डाउनलोड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, किसे वो देख सकता है, ईमेल नोटिफिकेशन जैसे वो खोले क्या उसके पास ईमेल आना, आपके पास ईमेल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या वो कमेंट कर सकता है उस पर, क्या आप नोटिफिकेशन आपको चाहिए, कमेंट नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड देन यहाँ पर एनहांस प्राइवेसी भी है। एनहांस प्राइवेसी पे ये फायदा है कि यहाँ पर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि सिर्फ मैक्सिमम 500 MB तक की फाइल सेंड करी जा सकती है एनहांस प्राइवेसी में। सामने वाला यूज़र जैसे ही आपके लिंक पे क्लिक करेगा उसको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर वो फाइल्स को अपलोड कर सकता है, क्योंकि मैंने अपलोड ऑन किया था, बिना रजिस्ट्रेशन करे वो यहाँ पर अपलोड कर सकता है और कमेंट्स भी कर सकता है अगर यहाँ पर उसको कुछ कमेंट करना हो तो, लेकिन उसके लिए उसको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें एक शेयरिंग मैनेजमेंट के लिए भी टैब मिल जाता है, जिस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे ये बता देता है कि कितने लिंक्स मैंने आज तक क्रिएट करे हैं, कौन कौन से लिंक्स मेरे एक्सपायर्ड हो गए हैं, किस लिंक्स का क्या स्टार्ट्स रहा है, कितने व्यूज़ आए हैं उस पर, कितने कमेंट्स आए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बता देता है। और अगर आपका टीम प्लान है और टीम के साथ आप लोग कुछ शेयर वगैरह किया है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू तो कर ही सकते हो, साथ में इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है ऑफिस 365 का भी। आप लोग ऑफिस 365 के थ्रू इसमें एडिट भी कर सकते हो इनके वेब ब्राउजर के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे अभी मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, अब अगर मुझे इसको एडिट करना है तो यहाँ पर मैं एडिट इन ऑफिस पे क्लिक करूँगा, इसके बाद ये ऑफिस ऑनलाइन पे खुल जाएगा, आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है वो आप लोग डाल सकते हो। एंड देन जब आप लोग इसको सेव करना चाहो तो यहाँ से सेव हो जाएगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे बैक टू सिंक एंड दैट्स इट, आपके डॉक्यूमेंट्स एडिट हो गए। अब क्योंकि इसका यहाँ पर ऑफिस 365 के साथ में इंटीग्रेशन है, इसलिए जितने भी ऑफिस की फाइल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट डॉक हो गया, एक्सेल फाइल्स हो गई, पीपीटी हो गया, वो सबको आप लोग खोल भी सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो इनके ब्राउजर में ही। सो डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। प्लेबैक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग इमेजेस को प्रीव्यू कर सकते हो, लेकिन फॉर वीडियोस यहाँ पर आप लोग प्रीव्यू नहीं कर सकते हो, आपको इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसको देख पाओगे। ज्यूरिसडिक्शन की बात करूँ तो कनाडा में आता है, जो कि 5 Eyes में है। कंपेयर टू US कनाडा इज़ बेटर, लेकिन जीरो नॉलेज है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको कनाडा नहीं चाहिए तो फिर आप लोग आइस ड्राइव या फिर पी क्लाउड जैसी कंपनीज की तरफ देख सकते हो। इनफैक्ट ट्रेसोरिट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अब अगर मैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इवेंट्स टैब देखने को मिल जाता है। इवेंट्स टैब पे हमें पूरी हिस्ट्री मिल जाती है, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहे हो, अगर आप लोग टीम के साथ में काम कर रहे हो तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कि कब किसने क्या क्रिएट किया, क्या डिलीट किया, क्या एडिट किया, किसको अपडेट किया गया है, किसको शेयर किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको इवेंट्स टैब में मिल जाती है। देन हमारे पास यहाँ पर यूजर्स का टैब, अगर आपके पास यहाँ पर टीम प्लान है तो यूजर्स को आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पर इनके ऐप पे स्पीड कंट्रोल्स मिल जाते हैं कि अगर आपको इसकी स्पीड लिमिट करनी है तो वो यहाँ से किया जा सकता है। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे स्लैक के साथ भी कोलैबोरेशन कर लिया है, तो अगर आप लोग स्लैक यूज़ करते हो, आपकी टीम स्लैक यूज़ करती है, तो सिंक और स्लैक का जो इंटीग्रेशन है वो अब बेटर हो चुका है। अब इससे पहले मैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर आऊँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे sync.com ने इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए, इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह का कॉन्टेंट आप लोगों के लिए ला पाऊँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इंडिविजुअल प्लान्स में एक तो इनका फ्री प्लान है जिसपे आपको 5 GB की स्टोरेज मिल जाती है। फ्री और प्रो में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और जो इनका प्रो प्लान है वो स्टार्ट होता है $8 पर मंथ से, जिसपे आपको 2 TB तक की सिक्योर क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है। एंड मेरे हिसाब से प्राइसिंग इनकी अच्छी है, अफोर्डेबल है। हालांकि सिर्फ 2 TB का प्लान है, उससे नीचे का यहाँ पर कोई प्लान नहीं है। अगर आपको 500 GB चाहिए तो उसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और इसकी एक और बात मुझे ये अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई फ्लैशी टाइमर्स नहीं देके रखे हैं, कोई अलग सी डील्स वगैरह नहीं है, या फिर आपको किसी तरह से पुश नहीं किया जा रहा है कि अभी लो नहीं तो फिर इसको मिस आउट कर दोगे। सो दे आर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड की प्राइसिंग ये है, आप चाहे अभी लो आप चाहे बाद में लो, आपको प्राइसिंग इतनी ही लगेगी। अब फ्री और प्रो में क्या डिफरेंस है, फ्री में यहाँ पर आपको 5 GB मिलता है, प्रो में आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिलती है। लोगोज लगा सकते हैं हम लोग, जब भी कुछ शेयर करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप अपना लोगो लगा सकते हो।
क्लाइंट से आप लोग फाइल रिसीव कर सकते हो, यहाँ पर अपलोड कर सकता है बिना रजिस्ट्रेशन करे हुए, एंड देन डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू और एडिट किया जा सकता है ऑफिस 365 के थ्रू। शेयरिंग के टाइम पे आपको कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी मिल जाती है, प्रो में डाउनलोड लिमिट्स डाल सकते हो, एक्सपायरी डेट डाल सकते हो, एनहांस प्राइवेसी पे सेट कर सकते हो उसको, एंड वर्जन हिस्ट्री थोड़े ज़्यादा देर तक की मिल जाती है, एंड आपको सपोर्ट भी इनके प्रो प्लान पे ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सो इससे पहले मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन मिल जाता है, फ्री प्लान पे भी मिल जाता है, सो दैट्स गुड। शेयरिंग के जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, सिक्योर्ड शेयरिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको, 5 GB तक का फ्री जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन मिल जाता है, तो फ्री प्लान इनका काफ़ी अच्छा है। डॉक्यूमेंट्स को आप लोग खोल सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, तो जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन भी है, साथ में डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, दैट्स रियली अमेजिंग। और जो इसकी हिस्ट्री रही है पिछले 10 साल की वो काफ़ी क्लीन रही है, आसान बात नहीं है 10 साल तक एक क्लीन हिस्ट्री को मेंटेन करना, सो दैट्स गुड। अब अगर मैं इसकी कुछ कॉन्स की बात करूँ तो जो इसकी स्पीड्स है वो मुझे काफ़ी स्लो लगी है, इनफैक्ट अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज़ भी हो तो भी यहाँ पर आपको स्पीड्स अच्छी नहीं मिलेगी, और जो इनकी अपडेट्स है वो मुझे थोड़ी स्लो लगी है। मैं sing.com को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ लगभग, और जो इनकी अपडेट्स है वो थोड़ी स्लो है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक पी क्लाउड, आइस ड्राइव या इनफैक्ट मेगा भी। सो बॉटम लाइन इज इट इज़ सिक्योर, इट इज़ अफोर्डेबल, लेकिन जो इसकी स्पीड्स है इंडिया में वो काफ़ी स्लो है। अगर आप लोग मल्टीमीडिया फाइल्स के साथ में काम करते हो, फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पर मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हो और आपको सिक्योर क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिक्योर क्लाउड स्टोरेज में आपको यहाँ पर ऑफिस 365 के थ्रू एडिट भी कर सकते हो, सो दैट्स वेरी गुड, एंड इसमें यहाँ पर शेयरिंग के ऑप्शंस भी अच्छे हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले आप लोग एक बार इसका फ्री वर्जन यूज़ करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपग्रेड करिएगा, नहीं लगता है तो और भी बाकी अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास, एंड आपको इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।